thank mm -hmm. you वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज दैज बी आई होप यू ऑल आर फाइन टू टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स और शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम डी आई सी बोलते हैं तो ये आपका लेक्चर नंबर टेन रहेगा एंड द सब्जेक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग दैट वी आर रीडिंग इज कॉल्ड द रीडिंगरशिप डेवलपमेंट तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना डी आई सी प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट हुआ था नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी एट में एज अ गवर्नमेंट इनिशियटिव ये हुआ था इसीलिए स्टार्ट दैट इज टू ब्रिंग ऑल द असिस्टेंस एंड प्रोग्राम्स टू द विलेज और जो स्मॉल ताकि वो काम करें अंडर अ सिंगल रूफ और जो स्मॉल बिजनेस है चाहे वो रूरल एरिया में है या विलेज में है उनको इफेक्टिवली ग्रो कराना इनका मेजर मोटिव था जो हमारा डी प्रोग्राम है इसका जो मेजर फोकस है वो था दैट इज इस्टेबलिशमेंट ऑफ द प्रोडक्शन प्लांट जिसकी वजह से नए नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज आ पाएं रिमोट एरियाज में या सेमी अर्बन एरियाज में तो रिमोट एरियाज हमारे पास वो एरियाज हैं जो बहुत दूर हैं सिटी से वहां पे जाना बहुत डिफिकल्ट होता है वहां पे लोग रहते हैं एंड सेमी अर्बन एरियाज वो एरियाज हैं जो पार्टी Urban that is between the ruler and urban. जो फुल्ली अर्बन नहीं है अब हम बोलेंगे व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स तो ये सेंटर्स जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल एनट है जो यूजुअली uh, जो स्मॉल बिजनेस बिजनेस वाले हैं दैट इज द स्मॉल एनटीज जो है रूरल एरियाज में इंडिया की उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करना दैट इज इन सिंपल वे हम ये बोल सकते हैं उसको हेल्प करना स्मॉल इंडाइटीज को या स्मॉल बिजनेस को इस्टेबलिश करने में तो बेसिकली जो हमारा डी का रोल है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला ये हेल्प प्रोवाइड करता है इंटरप्रीनोरशिप्स को दैट इज इंटरप्रीन को विद द हेल्प ऑफ द डी प्रोग्राम्स और उनको कंटिन्यूसली सपोर्ट प्रोवाइड करता है ज्यूरिंग दियर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस जब तक वो अपना बिजनेस कर रहे हैं उसमें उनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो अपना डी प्रोवाइड कर सकता है सेकंड हमारे पास ये प्रोवाइड करता है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जिसकी वजह से बिजनेस प्रॉब्लम्स बहुत क्विकली सॉल्व होती हैं और ये क्लियरेंस सिस्टम क्या है ये क्या है कि ये ऐसी जो पार्टीज है ना ट्रेड में इन्वॉल्व हुई है उनके लिए एक ऐसी फैसिलिटीज़ है जिसकी वजह से वो अपनी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं दैट इज स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंगल एंटाइटी पॉइंट टू फिलफिल टू फिलफिल ऑल द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उसकी तो ये वो सिस्टम है थोड़ा हमारे पास क्या है कि ये इंक्रेज करता है जितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं रूर एरियाज़ में या अर्बन एरियाज़ में हैं तो उनकी बिजनेस को एक्सपैंड करने में या डेवलप करने में काफ़ी मदद करता है और ये फाइनेंशिंग दैट इज द फंडिंग प्रोवाइड करता है एमएसएमई को दैट इज़ द माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज और जो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं जो ग्रोइंग कंपनीज हैं उनको काफ़ी मदद प्रोवाइड करता है और डेवलपमेंट में अपलिफ्टमेंट में ठीक है तो सेकेंड हमारे पास आ, कुछ वो इंडिविजुअल्स हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको मशीनरी टूल्स प्रोवाइड करता है ताकि उनको एक मदद प्रोवाइड हो जाए और वो अपना बिजनेस अच्छी तरह से स्टार्ट कर पाए विद हेल्प ऑफ फाइनेंस तो और ये क्या करता है इसके कुछ जो प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स हैं उनकी कॉन्टीन्यूअसली पीरियडिक असेसमेंट लेता है इन ऑर्डर टू इंश्योर ताकि इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन या ऑपरेशन है दैट इज गोइंग इन अ वेरी प्रॉपर वे तो ये कॉन्टीअसली डी जो हमारा है सेंटर्स हैं ये ये चीज़ देखता है अब हम देखेंगे दैट इज़ द सम स्कीम्स दैट इज़ अंडर द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं तो कुछ स्कीम्स हैं जिनके बारे में हम ब्रीफली देख लेंगे सबसे पहले स्कीम जो है दैट इज कॉल्ड एज द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम ये प्रोग्राम जो हमारा है ये स्टार्ट हुआ था 2008 में दैट मींस uh, इसकी जो स्टार्ट थी कब स्टार्ट हुआ था 2008 में मेन मोटिव क्या था Purpose क्या था ये स्टार्ट क्यों हुआ था इसका मेन मोटिव uh, या फोकस ये था कि जो एजुकेटेड पर्सनस हैं लेकिन जॉबलेस पर्सन हैं रूल या अर्बन रीजनस में उनको गाइड करना उनको असिस्ट करना उनको हेल्प करना सेकेंड हमारे पास स्कीम है दैट इज कॉल्ड इज द डी आई सी लोन स्कीम ये स्कीम जो है यूजली सिटीज़ और उन रूरल एरियाज़ में आती हैं जहाँ की पॉपुलेशन नियर वन लैक पीपल्स हैं और कैपिटल इन्वेस्टमेंट दैट इज द एक्सपेंडिचर लेस देन टू लाख है तो ये क्या करता है सेल्फ एम्प्लॉयड और स्मॉलर बिजनेस रूरल एरियाज़ में उनको मदद करता है और स्मॉल साइज इंडस्ट्रीज जो हैं और बोर्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्या हेल्प करता है टू द सिमिलर बिजनेसेस और उनको मदद करता है टू ऑपटेन द लोन एम एस एम ई लोन दैट इज अ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज लोन थर्ड हमारे पास जो है दैट इज कॉल्ड इज सीड मनी स्कीम अंडर दिस स्कीम जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड होती है दैट मीजो जो पैसा इनको मिल सकता है इस स्कीम के अंडर दैट इज द ट्वेंटी फाइव और सेकेंड चीज़ इस स्कीम के अंडर है दैट इज इट वेंचर्स अप टू द टेन लैक वेंचर्स मीन्स दैट मीन्स ये जो कंपनी है या डी आई सी इंडस्ट्री जो हम बोलते हैं ये रिस्क ले सकती है दैट इज अप टू द टेन लैक रुपीज एंड सेकेंड uh, जो हमारे पास है अंडर दिस स्कीम दैट इज ये हमें प्रोवाइड करता है सीड मनी सपोर्ट फिफ्टीन परसेंट अब सीड मनी क्या है सी जब हमारा कोई भी बिजनेस नया बिजनेस स्टार्ट होता है ना तो सबसे पहले अर्लीएस्ट स्टेट पे जो फंड प्रोवाइड होती है स्टार्टिंग में उस फंड को हम बोलते हैं सीड मनी तो वो सपोर्ट कितने परसेंट हमें ये देता है ये डी आईसी दट इज फिफ्टीन परसेंट सेकेंड जो हमारा प्रोजेक्ट है टोटल प्रोजेक्ट की कास्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग सेवेंटी फाइव परसेंट का लोन जो होता है वो कवर कौन करता है बैंक करता है अकॉर्डिंग टू द सीड मनी स्कीम तो फोर्थ स्कीम हमारे पास है दैट इज कॉल्ड इज द डिस्ट्रिक्ट अवार्ड स्कीम इस स्कीम uh, के अंडर क्या है ये नई सक्सेसफुल बिजनेसिस को मॉरली करते हैं दैट मीन्स उसकी कॉन्फिडेंस जो है इसको बूस्ट करते हैं दैट मीन्स या हम ये भी बोल सकते हैं कि उनको अप्रिशिएट करते हैं अप्रिशिएट कैसे करते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्राइजेस देते हैं उन बिजनेसिस uh, को उन बिजनेस टाइकूनस uh, को uh, तो हर साल जो है बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी जो है वो कुछ ऐसे बिजनेस बिजनेस मैंस उठाते हैं या ऐसे ऑनर्स तो उनको वो एक अवार्ड देते हैं उस उस अवार्ड को हम बोलते हैं विश्वाकर्मा जयंती अवार्ड ये दी जाती है ताकि इनको एज अ वे ऑफ अप्रिसिएशन हम बोल सकते हैं ठीक है तो फिफ्थ स्कीम जो है दैट इज़ द इंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट इज़ ई तो ये जो प्रोग्राम है ये मैं कंप्लीट एक फुल वीडियो बना चुकी हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से देख सकते हैं तो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट थैंक यू सो मच